नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ पॉइंट लाइव पर। मैं ही आनेजा आपके साथ। आज से 15 से 17 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते जम्मू में किन किन जगहों पे, किन किन स्कूल्स पे वैक्सीन लगने वाली है, जम्मू में कौन कौन सी वैक्सीनेशन साइट्स बनी है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस समय मेरे पास मौजूद है। DC जम्मू ने इसके बारे में ट्वीट कर भी जानकारी दी। आपको बता दें, अगर रूपनगर की बात की जाए तो ब्लाइंड होम रूपनगर, शोभा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, टाइनी टॉट्स, वर्ल्ड लीडर स्कूल दुर्गानगर, एवरग्रीन हाई स्कूल और साथ ही साथ नन पब्लिक स्कूल, ये छह जगहें रूपनगर में, ये छह स्कूल जो ऐसे हैं जहां पे बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाएगी। वहीं भगवती नगर की बात की जाए तो भगवती नगर में भी दो स्कूल ऐसे रहेंगे जो वैक्सीनेशन साइट्स बन चुकी हैं, ब्राइट कैंडल हायर सेकेंडरी स्कूल और साथ ही साथ इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। भगवती नगर में दो स्कूल्स को वैक्सीनेशन साइट्स के रूप में जो है वो कंसीडर किया गया है। UHC सिद्धरा की बात करें तो कोऑपरेटिव हायर सेकेंडरी स्कूल सिद्धरा जो है वो कंसीडर किया गया है वैक्सीनेशन साइट के लिए। सैनिक कॉलोनी की बात की जाए तो टाइनी टॉट्स हायर सेकेंडरी स्कूल, साथ ही साथ अगर नवीन शिक्षा हाई स्कूल और रविंद्रनाथ टैगोर हाई स्कूल की बात की जाए तो ये दोनों स्कूल्स जो हैं वो नानक नगर में कंसीडर किए गए हैं कि जहां पे बच्चों को जो है वो वैक्सीन लगने वाली है। साथ ही साथ बाहूफोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बाहूफोर्ट एंड कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल मार्बल मार्केट, ये दो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाहूफोर्ट जो है वो बाहूफोर्ट एरिया में कंसीडर किया गया है वैक्सीनेशन साइट के लिए। त्रिकुटा नगर की बात की जाए तो कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल मार्बल मार्केट त्रिकुटा नगर में जो है वो कंसीडर किया गया है। साथ ही साथ त्रिकुटा नगर की बात की जाए तो एक और स्कूल त्रिकुटा नगर में कंसीडर किया गया है जो कि है बाल भारती स्कूल। मुबारक मंडी में अगर कंसीडर किया जाए तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी वैक्सीनेशन साइट के रूप में कंसीडर की गई है। तालाब तिलो में कोतवाल हाई स्कूल, डिग्याना में शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल, जानेपुर में इंदिरा पब्लिक स्कूल, ये कुछ जगहें हैं जो कंसीडर की गई हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, क्योंकि 15 से 17 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है आज के दिन से। 1 जनवरी से कोविन पे रजिस्ट्रेशन करवानी थी और आज से जो है वो वैक्सीनेशन बच्चों को वैक्सीन जो है वो लगनी थी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। और अगर इंडिया में पूरे अगर देखा जाए तो लगभग 12 लाख से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन इस समय लग गई है। सुबह से ही जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस जारी है। शास्त्री नगर की बात करें तो हायर सेकेंडरी बॉयज स्कूल गांधीनगर, साथ ही साथ सुभाष नगर में दो स्कूल कंसीडर किए गए हैं, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी और हाई स्कूल सरवाल, ये दो स्कूल्स कंसीडर किए गए हैं जहां पे वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी। गुज्जर नगर में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कंसीडर किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें शक्ति नगर की तो शक्ति नगर में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बख्शी नगर कंसीडर किया गया है, जहां पे 15 से 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन जो है उनका प्रोसेस किया जाएगा वहां पे। छन्नी हिम्मत की बात की जाए तो JP वर्ल्ड स्कूल छन्नी हिम्मत में कंसीडर किया गया है। तो लगभग 27 ऐसे एरियाज चुने गए हैं जम्मू में और वहां पे अलग अलग स्कूल जो हैं उनको वैक्सीनेशन साइट्स के रूप में इस समय कंसीडर किया गया है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आ गई है कि वहां पे कौन कौन से जो है किन किन की ड्यूटी लगी है, उनके नंबर, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस समय मेरे पास मौजूद है। बात करें अगर अलग अलग स्कूल्स के, अलग अलग एरियाज की, तो उनके बारे में कौन वहाँ पे इंस्ट्रक्टर रहेगा, कौन पूरा इंचार्ज वहाँ पे रहेगा और साथ ही साथ उनके फ़ोन नंबर्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ताकि किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ जाके डायरेक्टली जो है उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग ब्लॉक्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन इस समय मेरे पास मौजूद है। अगर बात की जाए मर्ड ब्लॉक, कोट बलवाल ब्लॉक, चौकी चौरा ब्लॉक, डंसल ब्लॉक, जिंद्रा रोड और RSपुरा ब्लॉक, इन जगहों पे भी अलग अलग स्कूल्स के नाम जो है वो सामने आए हैं जहां पे वैक्सीनेशन जो है वो लगने वाली है। इस दिन का इंतज़ार काफ़ी टाइम से लोगों को था कि कब जो 18 साल से नीचे हैं उनको भी वैक्सीन लगे, क्योंकि अगर बात की जाए बच्चों की तो कहीं ना कहीं उनकी वैक्सीन नहीं लगने की वजह से वो लोग जो है वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब अगर उनको वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं लोग होपफुल हैं कि स्कूल्स भी खोलेंगे और बच्चे जो हैं वो फिर से पहले की तरह ऑफलाइन मोड पे भी पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए, फिलहाल का बड़ा अपडेट यही, ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।